तो फाइनली भाई जिस चीज़ का या फिर जिस अपडेट का लोग बहुत समय से राह देख रहे थे वो आ चुकी है। यानी कि टीम सलार 15 अगस्त को कुछ अपडेट्स देने वाली थी अपनी फिल्म जिसके लीड रोल में हमें प्रभास देखने को मिलते हैं। उन्होंने अब ऑफिशियली इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है जो कि है 28 सितंबर 2023। यानी कि और एक साल बाद ये फिल्म रिलीज़ होगी, बट फिर भी फैंस तो पागल है इसको देखने के लिए। तो उसका एक बड़ा रीज़न तो इसके लीड एक्टर ही है, बाहुबली स्टार प्रभास। बट जो मेन कारण बोला जा सकता है वो है इसके डायरेक्टर प्रशांत नील और उनकी फिल्म KGF। तो भाई KGF आज के समय में ये नाम इतना पॉपुलर हो चुका है कि अगर किसी बच्चे को भी पूछ लिया जाए तो वो भी बता देगा कि क्या है KGF और रॉकी भाई। एक मॉडर्न डे सोने की लंका KGF और उसका मॉडर्न डे रावण यानी कि रॉकी भाई। तो रॉकी भाई ने अपना परचम इंडियन सिनेमा पर 2018 में ही लहरा दिया था अपनी फिल्म KGF चैप्टर 1 से, जिसने 80 करोड़ के बजट में 250 करोड़ के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था, जो कि कनाडा फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था। और इस फिल्म ने यानी कि KGF चैप्टर 1 ने रॉकिंग स्टार यश और उसके डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ पूरी कनाडा फिल्म इंडस्ट्री को देखने का नज़रिया बदल लिया था। मगर वो तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जब रॉकिंग स्टार यश और प्रशांत नील की ये जोड़ी फिर से बॉक्स ऑफिस पर आई अपनी फिल्म KGF चैप्टर 2 के साथ, तो उसने सब कुछ बदल के रख दिया। क्योंकि सिर्फ 100 करोड़ में उन्होंने इस फिल्म के साथ ब्लॉकबस्टर 1250 करोड़ प्लस की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था। और इसी के साथ रॉकिंग स्टार यश को एक और नाम मिल गया, बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर। तो हम बात करते हैं कि किस तरह से KGF एंड सलार कनेक्टेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के फिल्म के डायरेक्टर सेम है, प्रशांत नील, और ये दोनों फिल्म्स होमवाले फिल्म्स के अंडर में बनी है। बट जो सबसे बड़ा पॉसिबल रीज़न हो सकता है इन दोनों फिल्म्स के कनेक्शन का, वो आता है KGF चैप्टर 2 से। उस फिल्म के एक सीन में हमें एक बच्चा दिखाया गया था, उसने अपनी छोटी सी उम्र में अपनी अगल से उसको घुटनों पर बैठाने को मजबूर कर दिया था, जिसके बस नाम से हर कोई डर जाता था, यानी कि अधीरा। बट फिल्म में आगे बताया जाता है कि अधीरा ने उन सभी को मार दिया जो उसको रोकने के लिए आए थे, और उसमें वो बच्चा भी शामिल था। बट फिल्म में हमें कहीं पर भी उस बच्चे की लाश या फिर उसके मरे हुए होने का कोई सबूत नहीं दिखाया गया है। तो इसको फैन थियरीज कहो या फिर सच, बट हर कोई यही कह रहा है कि वही बच्चा पॉसिबली हो सकता है सलार यानी कि प्रभास, और वो इस KGF यूनिवर्स की फिल्म सीरीज में जुड़ सकता है, क्योंकि मेकर्स ने KGF चैप्टर 3 भी अनाउंस कर दिया है, यानी कहानी अभी भी बाकी है। और अगर आप KGF और सलार के पोस्टर को ध्यान से देखोगे तो उनमें भी बहुत सारी सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती है। तो ये भी एक तरीके से साइन कहा जा सकता है कि ये फिल्म इस यूनिवर्स की पार्ट है। तो इस यूनिवर्स की यानी KGF वर्स की दो फिल्में आ चुकी है, KGF चैप्टर 1 एंड KGF चैप्टर 2, और ये ऑफिशियल नहीं है, बट सलार भी पॉसिबली इसकी थर्ड फिल्म हो सकती है, और इसके बाद आएगी KGF चैप्टर 3। और कुछ थियरीज की मानी जाए तो हमें सलार मूवी में रॉकी भाई देखने को मिल सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली KGF चैप्टर 3 में हमें यश एंड प्रभास एज रॉकी भाई एंड सलार देखने को मिलेंगे, और वो इंडियन सिनेमा को एक बहुत ही बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। बट सिर्फ इतना ही नहीं, एक और फिल्म है जो कि KGF वॉर्स का पार्ट हो सकती है, जो कि है NTR 31, जिसमें हमें जूनियर NTR देखने को मिलने वाले हैं, और इसको भी प्रशांत नील ही डायरेक्ट कर रहे हैं। बट ये फिल्म होमवाले फिल्म्स नहीं, मित्रा मूवीज़ के अंडर में बन रही है, जिसकी रिसेंट ब्लॉकबस्टर थी पुष्पा। बस इसी एक वजह से कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि ये फिल्म भी KGF वॉर्स का पार्ट होगी या नहीं, बट अगर ऐसा हुआ तो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आप बताइए, आप कितने एक्साइटेड हो सलार को लेकर, KGF 3 को लेकर, या फिर पूरे KGF वर्स को लेकर, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।